एक महान डायरेक्टर, एक शानदार लेखक, एक जानदार म्यूजिशियन और एक जबरदस्त एक्टर, एक बेहद सामान्य परिवार में पैदा होकर नीरज वोरा ने हिंदी सिने जगत में अपनी एक उम्दा और मजबूत पहचान बनाई। लेकिन समय का फेर देखिए, लोगों को खूब हंसाने वाले इस एक्टर का आखिरी वक्त बेहद दुख और दर्द भरा रहा। नीरज वोरा का जन्म 22 जनवरी 1963 को गुजरात के भुज में हुआ। इनके पिता पंडित विनायक राय वोरा एक शास्त्रीय संगीतकार थे और तार शहनाई वादक थे, जबकि इनकी माँ प्रमिला बेन एक गृहिणी थी। नीरज जब छोटे थे तब इनके पिता इन्हें और इनकी माता को लेकर मुंबई आ गए। यहाँ एक स्कूल में इन्होंने इंडियन क्लासिक म्यूजिकल टीचर की हैसियत से नौकरी की। इनके पिता क्योंकि एक शास्त्रीय संगीतकार थे तो इन्होंने अपने घर में बॉलीवुड फिल्मों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था, पर क्योंकि इनकी माँ हिंदी फिल्मों की शौकीन थी तो अक्सर इनकी माँ इन्हें लेकर चुपके से फिल्म देखने जाती रहती थी। इस तरह बचपन से ही नीरज वोरा को हिंदी सिनेमा और संगीत में दिलचस्पी आने लगी। कम उम्र में ही वो फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखने लगे। क्योंकि पिता संगीतकार थे तो बचपन से ही नीरज को कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आ गए थे। जबकि पिता घर पर नहीं होते थे तो नीरज उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर फिल्मी गानों की धुन बजाया करते थे। नीरज का दाखिला इनके पिता ने उसी स्कूल में करवाया जहां वो खुद भी नौकरी किया करते थे। स्कूल में इनके साथ आशुतोष गोवारिकर, टीना मुनीम और फाल्गुनी पाठक भी पढ़ते थे, जो कि आगे चलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम भी बने। नीरज वोरा जिस इलाके में रहते थे वहां पास में ही संगीतकार राजेश रोशन भी रहा करते थे। राजेश रोशन इनके पिता को अच्छी तरह से जानते थे और ये भी जानते थे कि इनके पिता के पास बच्चे म्यूजिक सीखने आते हैं। एक दिन राजेश रोशन इनके पिता के पास आए और उन्होंने इनके पिता से कहा कि उन्हें एक गाने के लिए 5-6 ऐसे बच्चे चाहिए जो किशोर कुमार के साथ कोरस कर सके। पिता ने कुछ बच्चों के साथ नीरज को भी राजेश रोशन के घर भेज दिया। इस तरह नीरज बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ गए। मिस्टर नटवरलाल में अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी का पहला गीत मेरे पास आओ मेरे प्यारे दोस्तों गाया था। इस गीत में कोरस गाने वाले बच्चों में नीरज वोरा भी थे, क्योंकि नीरज अपनी माँ के साथ खूब फिल्में देखते थे तो स्कूल में आकर वो अपने दोस्तों को फिल्मों की कहानी भी सुनाते थे और इस तरह से ये फिल्मों में एक्टिंग करने का ख्वाब भी देखने लगे। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नीरज ने गुजराती थिएटर भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। इन्हें डर था कि इनके पिता, जो कि अब तक फिल्मों से अपने परिवार को दूर रखने की वकालत करते आए थे, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा थिएटर करने लगा है तो जाने वो क्या सोचेंगे। एक दिन हिम्मत करके नीरज ने अपने पिता को बता दिया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं और इसीलिए गुजराती थिएटर से जुड़ गए हैं। नीरज के मुंह से ये बात सुनकर उनके पिता नाराज होने की जगह खुश हुए और बोले कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, बस पढ़ाई मत छोड़ना। पिता के मुंह से ये बात सुनकर नीरज आत्मविश्वास से भर गए और जी जान से गुजराती थिएटर करने लगे। थिएटर के साथ साथ नीरज ने पढ़ाई भी जारी रखी और कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में इनके साथ इनके बचपन के दोस्त आशुतोष गोवारिकर तो थे ही, साथ ही यहाँ पर इनकी दोस्ती मकरंद देशपांडे और दीपक तिजोरी से भी हो गई। ये दोनों भी आगे चलकर बड़े अभिनेता बने। नीरज अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में भी थिएटर कर रहे थे। इनका एक नाटक कॉलेज के दिनों में काफी मशहूर हुआ। उस नाटक की बदौलत ये कॉलेज का जाना पहचाना चेहरा बन गए। एक दिन इनका वो नाटक केतन मेहता ने देखा। केतन ने इनके ग्रुप का काम बहुत पसंद किया और उन्होंने नीरज व उनके दोस्तों को अपनी फिल्म होली में काम दे दिया। होली वही फिल्म है जिससे आमिर खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। नीरज वोरा का एक्टिंग डेब्यू भी इसी फिल्म से हुआ और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नीरज वोरा की आमिर खान के साथ गहरी दोस्ती हो गई। फिल्मों के साथ साथ नीरज को छोटे पर्दे पर भी काम मिलने लगे और इन्होंने शाहरुख खान के सुपरहिट शो सर्कस में भी काम किया। छोटी बड़ी बातें नाम की दूरदर्शन के एक और सीरियल में भी इन्होंने काम किया था। फिर साल 1989 में सलीम लंगड़े पर मत रो नाम की फिल्म से दोबारा इनकी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी हुई। 1992 में शाहरुख खान की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में भी ये नजर आए, लेकिन साइड रोल करने से इन्हें बोरियत महसूस होने लगी। नीरज को लग रहा था कि ऐसा कुछ काम किया जाए जिसमें मजा भी आए और सम्मान भी मिले। तब नीरज अपने पुराने दोस्तों आशुतोष गोवारिकर और दीपक तिजोरी के पास गए और इन तीनों ने खुद से एक फिल्म बनाने का फैसला किया। ये पहली फिल्म थी नशा।
इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारीकर ने और इसमें हीरो के रोल में दीपक तिजोरी थे। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर थे नीरज वोरा, यानी कि इस फिल्म से नीरज वोरा के राइटिंग करियर का आगाज हो गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसका म्यूजिक काफी पसंद किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नीरज ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर इस फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार किया था। आशुतोष को जब अपने करियर की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म बाजी मिली तो इन्होंने इस फिल्म के कुछ कॉमिक डायलॉग लिखने के लिए नीरज वोरा को भी रख लिया। एक दिन नीरज बाजी के कुछ डायलॉग्स लिख रहे थे तो आमिर खान उनके पास आए और उन्होंने नीरज से कहा कि क्या आप रंगीला फिल्म के लिए कोई कॉमिक डायलॉग लिखेंगे। ओरिजिनली तो रंगीला फिल्म के डायलॉग्स लिखने की जिम्मेदारी अराफात महमूद को मिली थी, लेकिन क्योंकि आमिर को नीरज की राइटिंग पसंद आती थी तो उन्होंने एक दिन राम गोपाल वर्मा से नीरज को मिलवाया। राम गोपाल वर्मा ने भी नीरज की लेखनी देखी और उन्होंने नीरज को रंगीला में कॉमिक सीन लिखने का काम दे दिया। इत्तेफाक से इसी दिन किन्हीं निजी मजबूरियों के चलते अराफात महमूद ने रंगीला फिल्म छोड़ दी। अराफात महमूद की फिल्म छोड़ने के बाद राम गोपाल वर्मा ने पूरी फिल्म के डायलॉग्स लिखने की जिम्मेदारी नीरज वोरा को ही दे दी। नीरज ने बड़ी ही खूबसूरती से रंगीला फिल्म के सब डायलॉग लिखे। नीरज की प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुख भरी रही। जिन दिनों नीरज अपनी करियर के पीक पर थे, इन्हीं दिनों यानी साल 2004 में नीरज की पत्नी की मृत्यु हो गई। नीरज की कोई औलाद भी नहीं थी। अगले साल यानी साल 2005 में नीरज के पिता भी दुनिया को छोड़कर चले गए। पिता की मौत के बाद नीरज का छोटा भाई अपने परिवार को लेकर अलग रहने लगा। ऐसे में माँ की जिम्मेदारी भी नीरज पर आ गई। जिंदगी के अकेलेपन को दूर करने के लिए नीरज ने जमकर काम किया और खाली वक्त में वो अपनी माँ की सेवा कर रहे थे। लेकिन साल 2014 में नीरज की माँ भी नहीं रही। इस तरह नीरज इस दुनिया में एकदम अकेले रह गए। नीरज ने अपने काम को ही अपना सुख दुख का साथी बना लिया। उन्होंने खुद को काम में इतना ज्यादा बिजी कर लिया कि तन्हाई के बारे में सोचने का उन्हें वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन जब साल 2006 में हेरा फेरी फिल्म के तीसरे भाग के सिलसिले में ये दिल्ली में थे तो इन्हें हार्ट अटैक आ गया। इन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया और अस्पताल में इन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया। नीरज कोमा में पहुंच गए। नीरज दिल्ली में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, लेकिन तभी इनकी बीमारी की खबर इनके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज नाडियाडवाल को मिली। वो नीरज से मिलने तुरंत मुंबई से दिल्ली आए और फिरोज नीरज को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से मुंबई ले गए और वहां एक बढ़िया से अस्पताल में उन्होंने इलाज के लिए नीरज को भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने जब फिरोज को बताया कि नीरज वोरा कोमा में है और अस्पताल की जगह इन्हें घर पर रखा जाना चाहिए, तो फिरोज ने अपने घर का एक कमरा आईसीयू में तब्दील करवाया। 24 घंटे नीरज की देखभाल हो सके इसके लिए एक नर्स को अपॉइंट किया। नीरज का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स फिरोज नाडियाडवाला के घर पर ही आते थे। नीरज को बचाने के लिए फिरोज दिल लगाकर मेहनत कर रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब नीरज कोमा से बाहर आए और लगा कि अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 14 दिसंबर 2017 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते सुबह के 4 बजे अचानक नीरज वोरा की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।